नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बड़ी कॉमन समस्या यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या की। काफ़ी लोग इससे ग्रस्त रहते हैं, काफ़ी मरीज इसके आते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, वह परेशान रहते हैं। वो एलोपैथी की वो जाइलोरिक टैबलेट लेके उसको कंट्रोल करते रहते हैं, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक मैं उनका कंट्रोल नहीं करता, नहीं दिखता है, तभी वो यहाँ उनको आना पड़ता है। तो साथियों, हम आपको बताएंगे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की होम्योपैथिक में बहुत कारगर दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लें यूरिक एसिड होता क्या है, बॉडी में हमारे कहाँ से आ जाता है, क्यों ये बढ़ जाता है। साथियों, यूरिक एसिड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। यह तमाम आयंस और यूरेट्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, काम करता है। होता क्या है, हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है प्यूरिन्स का, यानी प्रोटीन्स का, प्यूरिन्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं, जब इनका हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, जब प्यूरिन्स ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें यह यूरिक एसिड रिलीज होता है। यह हमारी किडनीज के माध्यम से एक्सक्रीट होता रहता है, यूरिन के माध्यम से जाता रहता है, लेकिन कभी कभी या तो पानी कम पीने से या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से या फिर ज़्यादा प्यूरिन के इंटेक से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। वह यूरेट के क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारे ग्रेट यहाँ फिंगर में, ग्रेट थंब में या ग्रेट टो में, नीचे पैर में ग्रेट टो में, फिंगर थंब या ग्रेट टो में या स्मॉल जॉइंट्स में, हमारे उंगलियों के बीच में वह यूरेट के क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमा होने लगता है, जो गाउट की भी एक कंडीशन को मैनिफेस्ट करता है। तो जब यह यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और यह यूरेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमा होने लगता है, तो हमारे लिए एक समस्या का विषय बन जाता है। और यही यूरिक एसिड बढ़ने की स्थिति होती है कि हमारे एंकल में पेन हो रहा हो, हमारे फिंगर्स में सुबह उठ रहे हो तो स्टिफनेस हो, हमारी रिस्ट में पेन हो रहा हो, स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो, अगर यह कंडीशन है तो आप समझ लें आपको यूरिक एसिड हो सकता है। साथियों, इसके कॉजेज जैसा हमने बताया कि जब आपका प्यूरिन रिच कंपाउंड्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है और उसका एक्सक्रीशन बहुत कम है, चाहे आप पानी कम पी रहे हो, चाहे किडनी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, आपका यूरिक एसिड जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है, वो पूरी तरह एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। वह होता है यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ने का कॉज और यूरेट क्रिस्टल्स का जॉइंट्स में डिपॉजिट होने का कॉज। सिम्टम साथियों, इसका सिम्टम होता है जहाँ पर भी यूरिक एसिड बढ़ता है, नॉर्मली छोटे जॉइंट्स पे बढ़ता है, चाहे आपका फिंगर का जॉइंट्स हो, चाहे थंब का जॉइंट हो, चाहे रिस्ट का जॉइंट हो, चाहे एंकल का जॉइंट हो, इन जॉइंट्स में ज़्यादा बढ़ता है। और सुबह जब आप उठते या उठती हैं तो आप मुट्ठी नहीं बंद कर पाती हैं। वह कंडीशन अगर आपके हो रही है कि स्मॉल जॉइंट्स में आपके स्टिफनेस है, पेन है, जो कि थोड़ी देर चलने से थोड़ा आराम मिलता है, उसमें रेडनेस है, उसमें सूजन है, इन्फ्लेमेशन है और टेंडरनेस है, छूने से भी वहाँ पे दर्द होता है, ठेस लग जाती है तो दर्द होता है, यह सारी कंडीशंस यदि हैं तो कहीं ना कहीं वो यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल वैल्यू यूरिक एसिड की अप टू 6 होती है, अप टू 7 होती है, हम अप टू 6 मानते हैं। उसके ऊपर अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा है, जो कि एक सिंपल सी ब्लड की जांच से पता लग सकता है, तो आप उसको पता करा सकते हैं और उसके लिए आप परहेज और दवा दोनों कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में यूरिक एसिड को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, यूरिक एसिड को नॉर्मल करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। यह दवाएं साथियों आपकी जानकारी के लिए है, कोई भी दवा, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, तो कोई भी दवा किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा कर ही लें, यूँ कोई दवा ना लें, आपको फ़ायदा करने वाली चीज़ आपको नुकसान भी कर सकती है। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको यूरिक एसिड के दर्द और यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ने से निजात दिलाने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं को आपके समक्ष लाने के प्रयास में। होम्योपैथी में साथियों यूरिक एसिड, बढ़े यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की नंबर एक दवा कोल्चिकम है। कोल्चिकम ऑटमनेल इसलिए होम्योपैथी में यूरिक एसिड को नंबर एक दवा है कंट्रोल करने की, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपके पैर के जो टो होता है, जिसे ग्रेट टो कहते हैं, जो पैर की पहली उंगली होती है, उसके साइड्स में दिखता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा उभार लगता है। तो अगर आपके ग्रेट टो में टेंडरनेस है, लाली है, छूने से दर्द है और आपका ब्लड यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर आपके यहाँ दिक्कत है, तो उसकी कारगर दवा कोल्चिकम ऑटमनेल 30 है। आप कोल्चिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप पाएंगे कि आपको जादुई
इलाज हुआ और एक महीने के अंदर आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन साथियों आती है कि जब आपके यूरिन में भी यूरिक एसिड का सिक्रीशन होने लगे, अगर वह स्थिति आप में आती है और आपकी यूरिन बहुत बदबूदार हो, तो अगर यह स्थिति आप में आती है कि झाग ऐसी यूरिन हो रही, बहुत बदबूदार हो रही है और यूरिक एसिड का प्रोटीन्स का डिस्चार्ज आपकी यूरिन से हो रहा है, तो आपके लिए जो दवा है वह है एसिडम बेंजोइकम। आप एसिडम बेंजोइकम यानी बेंजोइक एसिड 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आपके यूरिन में जो ऑफेंसिव यूरिन आ रही है, गंदी यूरिन आ रही है, डार्क यूरिन आ रही है, डार्क ब्राउन कलर की यूरिन आ रही है और आपके यूरिक एसिड का डिस्चार्ज थ्रू यूरिन हो रहा है, प्रोटीन का डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, वह सब ठीक हो जाएगा और आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। फिर एक बड़ी कॉमन स्थिति आती है यूरिक एसिड बढ़ने की स्थिति में, जब आपके एंकल यानी टखने में पेन होने लगा। तो अगर आपके पैर के एंकल यानी टखने में बहुत पेन हो रहा है, चलने पे और तकलीफ बढ़ रही है, सुबह जब आप पैर रखते हैं तो पैर जमीन पे नहीं रखा जाता है, उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लीडम पाल है। आप लीडम पास्चर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके एंकल के पेन की टेंडरनेस, लाली पेन, वह सब खत्म हो गया और आपका यूरिक एसिड भी ठीक हो गया। जाहिर सी बात है, जब यूरिक एसिड ठीक होगा इस दवा से, लीडम पाल से, तभी आपका यह पेन और टेंडरनेस एंकल की जाएगी। फिर साथियों एक दवा आती है होम्योपैथी में, एक स्थिति आती है कि जिसमें कि आपके पैर में डिफॉर्मिटीज होने लगी, उंगलियां पैर की थोड़ी टेढ़ी हो गई, गाउट वाली कंडीशन आपकी प्रेवलेंट हो गई। तो अगर यह गाउटी कंडीशन आपकी प्रेवलेंट हो यूरिक एसिड के ब्लड में बढ़ने से, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ग्वाइकम। आप ग्वाइकम का मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह शाम ले लें। आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो चला और बिल्कुल ठीक हो गया और अब आप अपने को स्वस्थ पाने लगे। फिर एक स्थिति आती है साथियों की, सुबह उठे और पूरे शरीर में अकड़न है। अगर यह स्थिति आप अपने में पाते हैं कि आप सुबह उठे और आपके पूरे शरीर में स्टिफनेस है, खासतौर से आपके कंधों में बहुत दर्द है और आपका ब्लड यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो अगर यह कंडीशन आप में होती है तो इसको कारगर दवा है इसको ठीक करने की लिथियम कार्ब। आप लिथियम कार्बोनिकम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके कंधे का दर्द भी छूमंतर हो गया, आपके बॉडी की जो सुबह की मॉर्निंग स्टिफनेस है वो भी खत्म हो गई और आपका यूरिक एसिड भी ठीक हो गया। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि आपके छोटे जोड़ों में बहुत दर्द है और दबाने से उन जोड़ों में आराम मिलता है, प्रेशर से आराम मिलता है। अगर प्रेशर से यूरिक एसिड बढ़ने की कंडीशन में आपको जॉइंट्स के दर्द में आराम मिल रहा हो, तो उस स्थिति में यूरिक एसिड को ठीक करने की सबसे कारगर दवा है ब्राइनिया। ब्राइनिया एल्बा 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके प्रेशर से, आपको मालिश से, आपको उस अफेक्टेड एरिया को प्रेस करने से आराम मिलता हो और चलने से आपकी तकलीफें बढ़ती हों। यह कंडीशन आपको हो तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस ब्राइनिया है। आप ब्राइनिया एल्बा 30 दो दो बूंद यूरिक एसिड के बढ़ने के केस में ले सकते हैं। फिर साथियों कभी कभी एक स्थिति आती है कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा है और आपके पैरों में सूजन आ गई, तो अगर यह कंडीशन आप में पाई जाए कि आपका यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा हो और आपके पैरों में सूजन आ गई हो, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैक्टस। कैक्टस 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले लें। आप पाएंगे कि आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो गया, आपको राहत मिल गई। एक स्थिति आती है साथियों कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ने में कि आपको गाढ़ी यूरिन आ रही है। अगर आपको थिक यूरिन आ रही हो और आपका यूरिक एसिड ब्लड में बहुत बड़ा हो और साथ में आपको पित्ती उछलने की भी शिकायत हो सकती है, तो अगर यह शिकायत भी आप पे हो तो होम्योपैथी में यूरिक एसिड को, बड़े यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवा अर्टिका यूरेंस है। आप अर्टिका यूरेंस 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आप देखेंगे कि आप जो थिक यूरिन आपकी आ रही है, गाढ़ी पेशाब आ रही है, वह भी ख़त्म हो गई और आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल हो गया। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको यूरिक एसिड बहुत बढ़ा है और सीने में जलन और एसिडिटी रहती है।
अगर यह कंडीशन आपको हो कि आपके सीने में जलन एसिडिटी रहती हो और आपका ब्लड यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो उस स्थिति में आपके यूरिक एसिड को ठीक करने की और इंटर्न आपके जलन को भी दूर करने की बहुत अच्छी दवा ग्रैटियोला है। आप ग्रैटियोला 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड ठीक हो गया और साथ में आपकी एसिडिटी, जलन और हार्ट बर्न भी खत्म हो गया। ये कुछ दवाएं थी साथियों आपको यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए, आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए, यूरिक एसिड को 6 से नीचे लाने के लिए, 4-4.5 की रेंज में लाने के लिए। एक मैं आपको जादुई नुस्खा भी बताता हूँ, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है ब्लड में तो उसको आप मूली खा के कंट्रोल कर सकते हैं। आप 15 दिन तक सलाद में रोज़ मूली खा लें, आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड ठीक हो गया। एक सिनिग्रिन नाम का कंपाउंड होता है मूली में, वह आपके यूरिक एसिड को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा अगर आपके यूरिक एसिड बढ़ा है तो आप प्रोटीन की रिच कंपाउंड, क्योंकि यूरिक एसिड प्रोटीन का ही बाई प्रोडक्ट है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है, तो आप उसके लिए प्रोटीन रिच कंपाउंड ना लें जिसमें कि पालक, टमाटर, पनीर, अरहर की दाल, मीट, अंडा, मछली शामिल है। इन चीज़ों को आप ना लें और बगैर पैसे की होम्योपैथी, बगैर पैसे की सबसे अच्छी दवा आपके यूरिक एसिड को ठीक करने की है पानी। आप पानी बहुत पिए, सारा यूरिक एसिड आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप क्वेरी लिख के हमको 94157386 9415786380 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आपको आपका सवाल का जवाब संतोषजनक और कारगर रूप में देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, होम्योपैथी को आपके करीब लाने का प्रयास पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने इस चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक कर दीजिएगा और सबसे पहले हमारे नए से नए वीडियो पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ रहने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।